बच्चा लोग देखिए, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर अब मोशनल ईएमएफ। तो हेडिंग डाल दिया मोशनल ईएमएफ। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने फराडे लॉ, लेंज लॉ डिस्कस कर लिया था। अब बात कर रहे हैं मोशनल ईएमएफ। सो मोशनल ईएमएफ में बेसिकली क्या होता है, सुनिए क्या होता है। कोई भी कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग रॉड, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो कर्व हो, हम मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। जब किसी कंडक्टिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो इस कंडक्टिंग वायर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है और वही पोटेंशियल डिफरेंस मोशनल ईएमएफ कहलाता है। कैसे डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा, ये बात हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे बच्चों। कैसे डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा, ये जरूर डिस्कस करेंगे हम। पहले आप ये बात भेजे में डालिएगा कि जब किसी कंडक्टिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस वायर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस नोन एज द मोशनल ईएमएफ। क्लियर है सबको? चाहे तो एक वर्ड्स में ये बात बोल भी सकते हैं, है ना। लेकिन हमने ये बात लिखा कि व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड देन अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस एंड्स ऑफ रॉड। This potential difference known as मोशनल ईएमएफ। बेसिकली ईएमएफ ही होना चाहिए, इसका नाम मोशनल इसलिए रखा गया कि कंडक्टर के मोशन की वजह से डेवलप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ। इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग मोशनल ईएमएफ। आप लोग साथ साथ लिखते भी चलिएगा ना, इसीलिए इसका नाम मोशनल ईएमएफ रखा गया। अब अच्छा देखिए बच्चा लोग, मोशनल ईएमएफ का तो हमने बात कर लिए हैं। अब मैं किसी रॉड को मूव करा के दिखाता हूं और मैं ये भी देखना चाहूंगा कि देखें आखिर कैसे प्रोड्यूस होता है पोटेंशियल डिफरेंस और कितना आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम मोशनल ईएमएफ का नाम देंगे। तो यहां पर देखिए एक रॉड लिया हमने, कंडक्टिंग रॉड, एक कंडक्टिंग रॉड है बच्चा जो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। लेंथ है ए बी पॉइंट्स लिखा, रॉड का लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है इनटू द प्लेन। अगर हम बहुत अच्छे से दिमाग लगा के बात करें तो आपके साथ यहां पर एक चीज दिख रहा होगा, बी और वी परपेंडिकुलर है और साथ में एल भी परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर है। यहां पर देखिए बी एल वी तीनों परपेंडिकुलर है। मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो, नहीं होंगे तब भी मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट होंगे। बट इस केस में पहले मैं आपको निकाल के दिखाना चाहूंगा कि व्हाट इज द मोशनल ईएमएफ इन दिस केस और वो डेवलप कैसे हुआ और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो बच्चों अगर हम इसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये डेवलप कैसे हुआ, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो देखिए हम जैसे ही ये रॉड कंसीडर करते हैं इसके अगले ही पल अगले स्टेप में क्या होने वाला है हम उसकी बात करेंगे। पल में सुनिए, ये अगर कंडक्टिंग रॉड है तो इसके पास क्या होंगे बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर पिक्चर में दिखाया है, ये है यहां पर इलेक्ट्रॉन से बच्चा लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन से बच्चों, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर हमने बताया कि जो बी है वो परपेंडिकुलर टू वी है एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एल है, उधर से हटा मैं, ये स्टेप वन है। अच्छा बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये कंडक्टर मूव करेगा मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे होंगे। भाई कंडक्टर वी वेलोसिटी चल रहा मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी वी वेलोसिटी से चल रहे होंगे। सो हम इसके आगे का स्टेप लेते हैं, अगले ही पल क्या होने वाला है वो हम यहां यहां बना के देखते हैं। तो देखिए अगले ही पल क्या होना है, जैसे ही हम इनको मूव कराना स्टार्ट करेंगे बच्चों होना क्या है सुनिए, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज मोशन में होता है तो उस पर फोर्स लगता है। ये मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग रॉड है और ये मोशन में है तो इस पर फोर्स लगना तय है। इलेक्ट्रॉन को देखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है इतना, कितना वेलोसिटी से v, तो v क्रॉस b, बच्चा लोग फोर्स बोला शायद सबको पता होगा कि मैग्नेटिक फोर्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में मूव करता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, ये होगा मैग्नेटिक फोर्स v क्रॉस b, तो इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स अपर लगेगा, v क्रॉस b तो इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स अपर लगेगा। आंसर आएगा नहीं सर, अपर नहीं लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। p क्रॉस b ऐसा लग रहा है ऊपर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता तो अपर लगता है, लेकिन नेगेटिव है इसलिए डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। सो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड फोर्स फील होने लगेगा, जैसे ये मोशन में आएगा कंडक्टर के इलेक्ट्रॉनों को डाउनवर्ड फोर्स फील होने लगेगा। बच्चा लोग, जब कंडक्टर के इलेक्ट्रॉनों को डाउनवर्ड फोर्स फील होगा सो उसके इलेक्ट्रॉन ए बी ए की तरफ इकट्ठा होने लगेंगे, और ए सेक्शन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने से, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने से ये वाला एंड कैसा चार्ज हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ए वाला एंड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया है तो ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो गई है, यहां इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी, यहां एक्सेस, प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, ये कंडक्टर मूव कर रहा है, इसका मतलब इस कंडक्टर के इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की वजह से, इस कंडक्टर के इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की वजह से एंड ए नेगेटिव हो गया, एंड बी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मतलब बी पर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, ए पर पोटेंशियल कम हो गया, मींस देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहां पर ध्यान रहे, जैसे ये हुआ, ये बात एकदम क्लियर है कि पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए, मींस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप लोग खुद, मैं एक बार और बता देता हूं बच्चों, एक बार देखिए, जैसे ये कंडक्टर मूव करेगा इसके इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता तो फोर्स लगेगा, तो v क्रॉस b फोर्स लगाएंगे, फोर्स अपवर्ड डाउनवर्ड होगा, और सारे जब इलेक्ट्रॉन यहां एक्सेस में होंगे, एक्सेस में, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां एक्सेस में होंगे तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव एंड्स हो जाएगा, और यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ये पॉजिटिव एंड्स हो जाएगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, मीन देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा यहां उसी को हम मोशनल ईएमएफ का नाम देंगे। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिए बच्चा लोग, क्या सारे इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे? सुनिए, जैसे एक, मतलब हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा इधर आया, यहां एक कम हुआ, यहां एक नेगेटिव, यहां एक पॉजिटिव, और ये प्लस माइनस बढ़ता जैसे जाएगा, बता रहे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, बता यहां प्लस एंड यहां माइनस एंड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा चार्ज की वजह से, तो यहां प्लस यहां माइनस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड में डेवलप होगा, और वो शुरू से डेवलप होते रहेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठा होते जाएंगे, यहां कम होते जाएंगे, ये फील्ड डेवलप होता जाएगा, और ये फील्ड क्या करेगा, ये फील्ड जानते हैं फोर्स करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉनों को, किधर फोर्स करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है बच्चा लोग तो ये फील्ड किधर फोर्स करेगा, ऊपर की तरफ, E into E फोर्स, इसका मतलब ये फील्ड नहीं जाने देगा, इसका मतलब कुछ ही देर में स्टेडी स्टेट आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है इस मोशन की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब फर्दर इलेक्ट्रॉन को नीचे नहीं जाने देगा, मतलब जो डेवलप होना था वो हो चुका, स्टेडी स्टेट आ जाएगा, और फर्दर इलेक्ट्रॉन का मोशन डाउनवर्ड नहीं होगा, ऐसा ही होना चाहिए बच्चा लोग, इसका मतलब, हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग मतलब सर स्कूल इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएंगे नीचे, वो तगड़ा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे बच्चों, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, जैसे ही एक भी इलेक्ट्रॉन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड रोकना शुरू करेगा, और जब तक मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज नेगेटिव होते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है, वी क्रॉस बी, देखिए मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे एक नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और स्टेडी स्टेट में आके दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे,
सो हम वहां तक पहुंचने वाले हैं बच्चों। तो मैं ऊपर से इस वाले पोजीशन को हटा रहा हूं, डेफिनेशन वाले पोर्शन को बच्चों, और देखिए मैं डेफिनेशन वाले पोर्शन को हटा के मैं इसी को यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बताया बच्चा लोग, देखिए बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, एकदम इजी है। जैसे ही कंडक्टर मूव कराते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगता है वी क्रॉस बी के हिसाब से नीचे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स उसको उसका अपोज करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पहले नहीं था लेकिन इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से सेटअप हुआ है और रोकेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स का अपोज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन का फर्दर मोशन नीचे की तरफ रुक जाएगा और सब कुछ स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। लेकिन तब तक कुछ ना कुछ यहां नेगेटिव और कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ चुका होगा, मतलब तब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया होगा, और जितना सेटअप हो गया होगा उसी का नाम लिखेंगे हम लोग मोशनल ईएमएफ। सो हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने लिखा बच्चा लोग यहां पर कि इन स्टेडी स्टेट आएगा तो हम ये बात बोल सकते हैं बच्चा लोग कि इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, ऐसे भी लिख सकते थे कि जो नेट फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पे एफ नेट वो जीरो होगा। एफ नेट क्या होगा, माइनस ऑफ चार्ज ई इंटू ई वेक्टर एंड प्लस माइनस ऑफ, देखिए माइनस ऑफ ई वी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। या अगर हम लोग मैग्नीट्यूड में देखें, ये तो हमने ऐसे लिखा बच्चा लोग, तो फिर यहां से ये भी पता चल जाएगा कि जो वेक्टर ई होगा बच्चों वो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर माइनस ऑफ वी क्रॉस बी, ऐसा लिख सकते हैं। जो वेक्टर ई होगा वो माइनस ऑफ क्या आएगा, वी क्रॉस, ऐसा आएगा, ऐसा यहां पर आएगा ना। आई थिंक सो यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों, याद है सबको समझ में आ रहा होगा कि नेट फोर्स, देखिए स्टेडी स्टेट आएगा तो इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएगा। मैं वही बात यहां करने वाला हूं डायरेक्टली। वैसे ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा ना, अगर हम लोग इन स्केलर अगर समझते हैं, देखिए इन स्केलर अगर हम लोग समझते बच्चों, तो हमने लिखा देखिए, अगर हम इन स्केलर की बात करते इन स्केलर फॉर्म, तो स्केलर फॉर्म में हम लोग डायरेक्टली ये बात बोलते अपवर्ड फोर्स पर होगा ई इंटू ई, डायरेक्शन देख लिया मैंने माइनस जैसे, और डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा ई बी क्रॉस बी, तो 90 डिग्री अगर सब है, देखिए वी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री, वी इधर बी अंदर है, वी इधर बी अंदर है, तो थीटा 90 डिग्री है, तो वी बी बी साइन 90, तो आएगा यहां से वी बी बी, तो यहां से ई और ई कट ही जा रहा है, ई इक्वल टू आएगा वी बी स्केलर फॉर्म में। यहां से भी वही आएगा बच्चा, यहां पर स्केलर फॉर्म में ले लीजिए तो मॉड ऑफ ई मॉड ले लीजिए इधर से, उधर भी मॉड आएगा वी क्रॉस बी, अगर वी और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो वी बी ही आएगा इसका, तो ई इक्वल टू वी बी आएगा, यहां से भी वही आएगा, यहां से भी वही आ रहा है, तो ई इज इक्वल टू वी बी आ गया बच्चों। ई इक्वल टू कितना आ गया, वी बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। या आप भी बोल सकते हैं कि जब स्टेडी स्टेट आ जाता है तब वेलोसिटी जो होती है वो ई बाई बी के बराबर होता है, V इक्वल टू E बाई बी होता है। ऐसा कभी कभी जरूरत पड़ता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी फील्ड में फेंकिए जहां इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और वो अनडिफ्लेक्टेड जाए, तो ऐसा होता है कि दोनों का फोर्स इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, और तभी होगा इक्वल और अपोजिट जब वेलोसिटी की वैल्यू E बाई बी के बराबर होती है। जब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी बराबर होगी, E बाई बी के बराबर, E यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, E यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे वो यहां सेटअप हुआ है चार्ज आने की वजह से, चार्ज की वजह से, स्टैटिक चार्ज की वजह से ही तो सेटअप होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, हालांकि यहां पोटेंशियल डिफरेंस अभी नहीं आया, यहां अभी ईएमएफ नहीं आया, अभी तो खाली हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आता है ना तो वहीं से रिलेटेड है कौन, पोटेंशियल। तो देखिए पोटेंशियल वहीं से रिलेटेड है बच्चों, तो मैं पोटेंशियल की बात ही करता हूं अब आपसे। देखिए बच्चा लोग, सो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे रिलेटेड होते हैं, सब बच्चों को शायद पता हो। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, जैसे कि हम मैं लिख रहा हूं, शायद आपको नहीं पता हो लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, है ना। लिखा हमने एज वी नो डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल, डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये बात पढ़ा था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, जैसा हमने यहां लिखा पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड का रिलेशन, आई थिंक सो बच्चा लोग समझ में आ रहा होगा आप सबको। देखिए मैं यहां पर एक हेल्प लेता हूं उस रॉड का, देखिए हम वहां से यहां से एक हेल्प ले रहे हैं कि जो हमारा रॉड था
इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में इधर आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो ये पोजीशन हमारा था ए और ये पोजीशन था बी। यहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने से ये नेगेटिव हो जा रहा था और यहां पॉजिटिव हो जा रहा था भाई। एक्चुअली में इस और टोटल लेंथ एल है। ये पिक्चर मैंने इसी के हेल्प के लिए बनाया है क्योंकि मैं अभी इंटीग्रेट करूंगा ना। तो बताया बच्चा लोग डीवी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल, आई थिंक सो किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इसे। इंटीग्रेशन आप अगर ए से बी भी कर सकते हैं, बी से ए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर किधर है बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो ध्यान रहे हम लोग इंटीग्रेशन ए से बी कर सकते हैं, बी से ए भी कर सकते हैं, जैसे मन करे वैसे कर लीजिए। सो इंटीग्रेशन करना हमें, इंटीग्रेशन तो कहां से कहां कर लिया जाए इंटीग्रेशन? चलो ए से बी कर दिया जाए या बी से ए कर दिया जाए? इंटीग्रेशन बोलिए ए से बी कर दिया जाए या बी से ए कर दिया जाए? चलो ए से बी कर दिया जाए। सो ए से बी अगर हम लोग करते हैं बच्चों, ए से बी इंटीग्रेशन, सो यहां लिखा ए से बी और इधर भी लिख दिया माइनस ऑफ ई डॉट डी एल ए से बी। अब बच्चा लोग देखिए ए से बी करेंगे तो आएगा वी बी माइनस वी ए, बच्चों आएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू इधर देखिए इधर ई और डी एल। ए से बी जाएंगे तो डी एल वेक्टर ऊपर होगा, ए से बी जाएंगे डी एल वेक्टर ऊपर होगा और ई नीचे है, डी एल वेक्टर ऊपर है ई नीचे है, इसका मतलब ई डी एल के बीच में एंगल कितना 180। सो माइनस साइन गायब हो जाएगा और लिख देंगे ई डी एल इंटीग्रेशन, ये नहीं लिखेंगे बच्चा लोग। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो खाली डीएल का इंटीग्रेशन होगा और लेंथ जीरो से लेके कहां तक हो जाएगा एल। ये माइनस साइन कैसे गायब कर दिया? ई डीएल तो ई डीएल कॉस 180 और यहां एक माइनस था कॉस 180, माइनस माइनस हो जाएगा गायब। वहां से हमने माइनस को गायब किया है बच्चों, वहां से हमने माइनस को गायब किया है। आई थिंक सो ये वाला पोर्शन आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए मैं यहां लिखने जा रहा हूं, सो वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ई को बाहर किया, एल इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो से एल तो एल आ जाएगा ई एल, और ई की वैल्यू बच्चा लोग क्या है वी बी। सो यहां हम लोग डाल देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू बी एल वी ये आया है, और दिस पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोशनल ई एम एफ। इसी को बोलते हैं बच्चों मोशनल ई एम एफ। सो मोशनल ई एम एफ इज इक्वल टू बी एल वी। बी एल वी इज द मोशनल ई एम एफ इन दिस केस हियर। बी एल वी यार बी एल वी इज द मोशनल ई एम एफ। ये मोशनल ई एम एफ है बच्चा लो, इसको हम लोग मोशनल ई एम एफ कहते हैं। आई थिंक सो ये सब बच्चा को समझ में आया होगा। मोशनल ई एम एफ हमने इस केस में निकाला है। लेकिन मैं आप सबको एक और बात बता दूं बच्चा लोग, यहाँ पे है ना वो झन्नाटेदार बात ये है कि हम मोशनल ई एम एफ बड़ी जद्दोजहद के साथ कैलकुलेट तो कर लिए हैं। डीएल का डायरेक्शन ये डॉट प्रोडक्ट है, यहीं से गायब हो गया भाई। ए से बी जाएंगे तो डीएल ए से बी ही तो चलेगा। अगर आप ए से बी मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट है ना डीएल, एक तरह से उसका डायरेक्शन ए से बी है और फील्ड का डायरेक्शन बी से ए है, तो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यहां पर ए से बी और बी से ए तो 180 डिग्री होगा, इसलिए कॉस 180 डाल दिया। और जब डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये तो स्केलर फॉर्म में हो जाएगा फिर। अब यहां पर आए, लेकिन ध्यान रहे यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इट इज वैलिड व्हेन वी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू बी। नो म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे तभी वैलिड होगा इक्वेशन। मतलब मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बी एल वी होता है, लेकिन कब? जब तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, अदरवाइज ये फार्मूला नहीं आएगा बच्चा। मैं कराऊंगा, अभी कराता हूं आप देखिएगा, अभी मैं आपको कराता हूं इसके बाद ना देखिए। हां मोहम्मद कह पे मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त ना, ठीक है। आईआईटी तुमको जाना है, हमको नहीं है ना, तो हम मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब तुमको हमसे डबल करना है बस, खाली बस ध्यान रहे ना, मेरे से डबल करो काम हो जाएगा। देखो YouTube पे भी तुम्हारा नाम आएगा, पता है ना, रिकॉर्ड हो गया है। देखो यहाँ पे देखो ओके देखिए बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब
यहां तक समझ में आने के बाद इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा ये फार्मूला बीएलवी मोशनल ईएमएफ का फार्मूला बीएलबी होता है और ये तब होगा जब तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होंगे। अब बस क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो क्या होगा, तब क्या ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, फिर अगर ये नहीं लगाएंगे तो क्या फार्मूला लगाएंगे। तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं यहाँ पर जनरल फार्मूला। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब जनरल फार्मूला। तो देखिए बच्चा लोग, मैंने लिखा यहाँ पर जनरल फार्मूला। सो जनरल फार्मूला क्या है बच्चों, जनरल फार्मूला देखिए यहाँ पर। सो जनरल फार्मूला के लिए मैंने क्या किया, पहले तो वो बात लिखा कि हमें मालूम है कि सिंस इन स्टेडी स्टेट, पता है हमें इन, देखिए स्टेडी स्टेट, हमने सिचुएशन देख लिया चाहे कुछ भी हो, स्टेडी स्टेट में हम लोग ये बात कह सकते हैं नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा तो माइनस ऑफ ई इंटू ई वेक्टर और प्लस यहां लिखा माइनस ऑफ ई वी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो होगा। यहां से सॉल्व करके आया ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी वेक्टर, ये आया बच्चों। यहां आने के बाद देखिए, यहां आने के बाद हम और आगे बढ़े हैं तो हमें मालूम है, देखिए ऑल्सो लिखा एंड ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल, ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। सो दिस डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल, माइनस ऑफ ई की जगह हमने बच्चों लिख दिया यहां पर माइनस वी क्रॉस बी डॉट डीएल, ऐसा लिख दिया। सो फाइनली दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ये वी और ये वी अलग है, ये पोटेंशियल के लिए v लिखा गया है और ये जो v लिखा है वो वेलोसिटी है। यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आएगा यहां से v क्रॉस b डॉट dl। क्या दिखाएगा बच्चों यहां से, v क्रॉस b डॉट dl, ये आया है, ये आया है। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना है बच्चों, यहां पे देखिए मैं हटा रहा हूं इसे। सो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना हो तो हमने यहां इस तरह से लिखा, सो इंटीग्रेशन डीवी इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन, वी क्रॉस बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन। और अगर हम लोग ए से बी मूव करते हैं बच्चा लोग, ए से बी, सो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं उसी रॉड में, यहां आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, वी बी माइनस वी ए, वी बड़ा है ए कम है, और इधर आ जाएगा वी क्रॉस बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन ए टू बी, ये आया बच्चों, ये आया है बच्चा लोग, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ये पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशनल ई एम एफ, है ना। सो मोशनल ई एम एफ का जो जनरल फार्मूला होता है, मोशनल ई एम एफ का जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है ए से बी वी बी डॉट डी एल। हाँ, मैं अलग अलग केस में आपको करके दिखाऊंगा, आप इसका एकदम टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत सारे केसेस में आपको एकदम प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ऐसे आपको समझ में आएगा कि हाँ सर आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं ना। तो यहां पर देखिए ये फार्मूला आया है, बस इसमें एक बात मुझे और मेंशन करना है। सो देखिए बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। मैंने अभी बोला कि ये जनरल फार्मूला है मोशनल ईएमएफ का, और मैं और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर ऐसा कभी हो कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर बच्चों ध्यान दीजिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि अगर वी और बी कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट है ना, अगर ऐसा कभी हुआ कि अगर ऐसा होता, इफ वी एंड बी वेक्टर इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है वैल्यू, यूनिफॉर्म है एक तरह से कह लीजिए, सो देन क्या होगा जानते हैं, तब ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, तो ई मोशनल इज इक्वल टू वी क्रॉस बी को बच्चा बाहर कर लिया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल वेक्टर ए टू बी, दैट मीन्स बच्चों आएगा यहां से वी क्रॉस बी डॉट ए बी वेक्टर, That is the emotional,
मैं आपको बताता हूँ इसका इसका एक्चुअली में एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, इसका एग्जैक्ट स्टोरी आप ये तब समझ में आएगा। देखिए बच्चों, जैसे हमने कहा किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये वायर ले लिया, ये है वायर हमारा, लेट दिस इज ए दिस इज बी, ये वायर है और वो ये वी वेलोसिटी से चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहां इनटू द प्लेन है। क्लियर है बच्चों? वी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो आपको क्या करना होगा जानते हैं, ए से बी, देखिए ए से बी वेक्टर सम, वेक्टर सम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। सो ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, इसका लेंथ क्या है इसे मतलब नहीं है। अगर ए से बी एल है, एल तो फार्मूले में इसके लिए मोशनल, ये जो हम लोग ईएमएफ लिखेंगे इसके लिए फार्मूले में क्या लिखेंगे बोलिए, इमोशनल इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट डॉट एल वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, मतलब रॉड का लेंथ हमें नहीं ध्यान देना है, हमें सीधा ए और बी पॉइंट को डायरेक्ट मिलाना है और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्ट यहां पुट करेंगे। इस वजह से मैंने वेक्टर फॉर्मूला दिखाया आपको। अगर स्ट्रेट वायर मजा आ रहा है, लेकिन स्ट्रेट वायर नहीं होगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेट वायर नहीं होगा तो दोनों कॉन्स्टेंट होने चाहिए, नहीं तो फिर तब भी दिक्कत होगा, इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाएगा फिर उस केस में। इस वजह से मैंने कहा कि मैंने यहां देखिए ये डीएल वेक्टर है, इंटीग्रेशन मतलब एक तरह से वेक्टर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस नहीं आएगा वो, इसीलिए वायर अगर टेढ़ा मेढ़ा तो सीधा ए बी को मिलाइए, जो लेंथ बन रहा वही लेंथ को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, गेट द आंसर वेरी इजीली। सो मोशनल ईएमएफ फाइंड आउट करना हमें सीखा है। अब मैं कुछ केसेस दिखाता हूं बच्चों यहां पे, पहले तो देखिए एक दो केसेस देखते हैं हम लोग इसमें। तो देखिए केस नंबर वन ध्यान दीजिएगा, मोशनल ईएमएफ का जनरल फार्मूला भी हमने लिख लिया है, ध्यान रहे मैं फिर बोल रहा हूं कि हम ये फार्मूला भी जनरल फार्मूला मानते हैं, अगर वी और बी क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं तो हम इसको भी जनरल फार्मूला ही मानेंगे, ये फार्मूला भी जनरल फार्मूला ही है। सो चलिए केस की बात करते हैं बच्चों, तो हमने कहा कि एक केस है, इसमें मैंने ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, एकदम वैसे ही सिचुएशन बनाया था, एकदम वही वाला सिचुएशन, और हमने कहा एक रॉड है यहां पर, रॉड ए बी है और हमने उसे इस तरह से मूव करा दिया बच्चों, ऐसे मतलब एल से थीटा एंगल पे मूव करा दिया। तो अब बात करना चाहते हैं कि व्हाट इज मोशनल ईएमएफ इन दिस केस, इस केस में मोशनल ईएमएफ क्या होगा, मैं फार्मूला से भी करके आपको दिखाऊंगा इसे और डिराइव भी करके दिखाऊंगा आपके सामने इसको कि व्हाट इज द मोशनल ईएमएफ इन दिस केस। सो देखो बच्चा लोग, इसमें अगर हम लोग मोशनल ईएमएफ का बात करेंगे, इसमें अगर हम लोग मोशनल ईएमएफ का बात करेंगे, देखिए चलिए मैं इसे बाद में हटा दूंगा, पहले आप देखिए यहां सब, यहां पर मोशनल ईएमएफ का बात करना हमें। सो अच्छा, इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स किधर लगेगा, अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन है यहां पर, रॉड वी से जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन भी वी से जा रहा होगा, वी क्रॉस बी, देखिए बच्चा वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी फोर्स इधर नहीं, इधर लगेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इधर आएगा, और सुनिए ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। सो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा, E into E फोर्स ऊपर लगा और इधर लगेगा QVB, मतलब EVB, EVB, QV cross B, V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, V ऐसे है, B अंदर है, V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है और चार्ज Q है तो EVB फोर्स इधर लगेगा। एक्चुअली V cross B तो इधर आ रहा था लेकिन माइनस की वजह से हमने इधर कर लिया, तो आप बताइए क्या ये फोर्स E के बराबर करेंगे, आंसर रहेगा नहीं सर, इसका एक कंपोनेंट निकालेंगे, ये एंगल थीटा है, ये टोटल एंगल यहाँ 90 होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, इसका E 90 माइनस थीटा है बच्चों, EVB साइन थीटा होगा, सो EVB साइन थीटा अब EE के इक्वल होगा इक्विलिब्रियम में, EE इक्वल टू आएगा EVB साइन थीटा, ये आएगा बच्चा लोग, E और E कट जाएगा, कैपिटल E इक्वल टू आएगा VB साइन थीटा, ये आएगा यहां से, देखिए यहां से मैंने कहा फोर्स तो इधर, अब इधर नहीं लग रहा था, इधर इसका एक कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा और एक कंपोनेंट इधर का जो इसका दीवार बैलेंस कर लेगा मेटल का इधर वाले फोर्स को। सो ये अभी इक्विलिब्रियम में हो गया, अब ये आ जाएगा, जब ये आ जाएगा तो आप बताइए अब यहां पर मोशनल ईएमएफ कितना आना चाहिए, अब आना चाहिए मोशनल ईएमएफ बी एल वी साइन थीटा, अब तो मोशनल ईएमएफ बदल गया। अच्छा मैंने कहा था तीनों परपेंडिकुलर होते तो खाली बी एल वी आता,
अदरवाइज यहां से बी एल वी साइन थीटा आया है। अब कोई बच्चा बोले सर एक काम करिए आप जनरल फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को करिए, मैंने कहा ठीक है अब मैं इस क्वेश्चन को जनरल फार्मूला लगा के करता हूं। बच्चों देखिए मैं इसी क्वेश्चन को फ्रॉम जनरल रिलेशन जनरल फार्मूला नहीं लिखा हमने, लिखा हमने फ्रॉम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला से करेंगे तो बच्चा लोग देखिए क्या होगा, सो ध्यान सुनिएगा। देखिए जनरल फार्मूला क्या कहता है, इमोशनल इमोशनल इज इक्वल टू, है ना। अच्छा एक बात बताइए जरा मेरे को यहाँ पे सब, एक बात बताइए यहाँ क्या V और B वेरिएबल है यहाँ पर, आंसर V और B कांस्टेंट है, सो लिख सकते हैं V क्रॉस B डॉट ए बी वेक्टर, यहाँ पर रॉड है ए बी वेक्टर, यहाँ पर L वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर यहाँ पर क्या होगा L वेक्टर, अगर इसका लेंथ L है तो। अब ध्यान से सुनिए इसी फार्मूले से हम ये वाला आंसर निकालने वाले हैं, तो पहले बताइए दो वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट लिया है, एक ये है और ये, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया है बच्चों, एक ये वेक्टर और ये वेक्टर, इनका इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है डॉट प्रोडक्ट, सो बताइए इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा क्या, दो वेक्टर है ए और बी, ये बी, अच्छा वी क्रॉस बी वेक्टर किधर है, ध्यान से यहां देखो वी क्रॉस बी वेक्टर किधर है, वी क्रॉस बी, वी ये रहा बी अंदर, तो वी क्रॉस बी तो इधर आएगा बच्चों, ये आपका है वी क्रॉस बी वेक्टर, और एल वेक्टर किधर है बच्चों, एल इधर है, देखिए ये रहा V क्रॉस B और ये रहा L, ये थीटा है तो V क्रॉस B और L के बीच में कितना एंगल है, ये रहा L ये रहा V क्रॉस B, V क्रॉस B और L के बीच में कितना एंगल है 90 माइनस थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे A A का मॉड B का मॉड cos थीटा cos 90 माइनस थीटा बच्चों cos 90 माइनस थीटा, सो फाइनली आएगा अच्छा V क्रॉस B का मॉड इंटू एल साइन थीटा हो गया। अब बोलो V और B के बीच में कितना एंगल है, V और B के बीच में आंसर आएगा सर वो तो 90 है, तो A क्रॉस B क्या होगा बोलो, सिर्फ AB हो जाएगा क्योंकि cos 91 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा V B L साइन थीटा इज द मोशनल EMF इन दिस केस अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तो उसका मतलब वो फार्मूला लगा के हम इसका मोशनल ईएमएफ निकाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा एक और केस जो हमने अभी पहला डिराइव किया था उसका भी बात कर लेते हैं, यहां पर हम लोग उसका बात करते हैं मोशनल ईएमएफ इस रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। सो देखिए उसको अगर हम लोग बात करें बच्चों तो पहला वाला केस का बात करते हैं, ये वाला केस हमने मान लो डिस्कस कर लिया, हमें इतना पता है कि एल और थीटा है तो हम लोग ये आएगा मोशनल ईएमएफ, या नहीं समझ में आ रहा तो आप इस फॉर्मूले को लगाना सीख लीजिए, हर केस में मोशनल ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं हर केस में। सो केस नंबर टू, अच्छा हम लोग पहला वाला केस लेके देखते हैं, पहला वाला केस ना केस नंबर टू एकदम पहला वाला केस जिसमें ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, एक रॉड है, तीनों परपेंडिकुलर थे वहां पर, तीनों परपेंडिकुलर थे बच्चों, ये लीजिए ए और बी तीनों परपेंडिकुलर थे ए और बी, और वेलोसिटी ऐसे जा रहा था। अब मैं इसको डायरेक्ट जनरल फार्मूले से ही करना चाहता हूं, जनरल फार्मूला मोशनल का होता है बी क्रॉस बी, वी और बी है तो डॉट एल, ये जनरल फार्मूला, इसी फार्मूले से मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं इसका मोशनल ईएमएफ। वैसे मालूम है हम लोगों को मोशनल ईएमएफ इसका अगर निकाले तो बी एल वी आना चाहिए क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है तो बी एल वी आना चाहिए, वो मैं स्टार्टिंग से चिल्ला रहा हूं इस बात को लेके, तीनों कांस्टेंट है तो बी एल वी आना चाहिए। तो आप बताइए दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर ये वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, इसका डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए इनके बीच का एंगल चाहिए, जरा वी क्रॉस बी देखो, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी इधर आएगा, इधर आएगा वी क्रॉस बी वेक्टर, और एल वेक्टर भी इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, V क्रॉस B का मॉड A मॉड B cos 0। अब बोलिए V क्रॉस B, V और B के बीच में कितना एंगल है, V और B अंदर 90 है, तो V और B के बीच में 90 एंगल है, एंगल 90, तो V क्रॉस B कहेगा V B, और ये L cos 0 1, तो आएगा B L V, ये आ गया मोशनल ईएमएफ। इसका मतलब जो जनरल फार्मूला हम लोग यहाँ लिख रहे हैं वो बहुत मजेदार फार्मूला है, वो हर एक केस में मोशनल ईएमएफ फाइंड आउट कर सकता है, लेकिन मजेदार बात आपको ये बता दूं मैं दोस्तों कि 90% केसेस में मोशनल ईएमएफ बीएलवी होता है, क्योंकि 90% क्वेश्चन में
तीनों परपेंडिकुलर ही होते हैं, बी भी, एल भी और वी भी तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, 90% केसेस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए 90% केस में यही फॉर्मूला आता है, यही BLV ही आता है। आई थिंक सो यहां तक सब बच्चा लोग को समझ में आ गया होगा। सो हमने आपको फॉर्मूला दिखाना यहां पर सिखा दिया। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कंडीशन, हम बात करेंगे किस किस केस में मोशनल ईएमएफ जीरो हो सकता है, किस किस केस में मोशनल ईएमएफ जीरो हो सकता है ना। तो कंडीशन फॉर जीरो मोशनल ईएमएफ हम लोग यहां पर लिखने हैं, कंडीशन हेडिंग है ये आपका, कंडीशन फॉर जीरो मोशनल ईएमएफ। अच्छा मैं फिर बता दूं बच्चों, देखिए मोशनल ईएमएफ को इतना हल्के में मत लीजिएगा, है ना, बहुत खतरनाक है ये। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सब एक के साथ यूज किया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सब एक ही साथ यूज किया गया है, L और B के बीच में 90 डिग्री एंगल है। भाई देखिए जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखिए, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, ठीक है ना। मैं फिर पहले बोला बहुत खतरनाक है, दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं। V क्रॉस B एक अलग वेक्टर हो गया और L अलग वेक्टर हो गया, ये V क्रॉस V और B अलग अलग मत सोचिए, V क्रॉस B को एक साथ ले, एक वेक्टर मानिए, एक वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा V और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है, V क्रॉस B दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना। जीरो के लिए भी आंसर मत बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए ना, पहले सुनिए, पहले एक एग्जांपल है ना। हाँ एकदम दिमाग उमाग मत लगाइए ना, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, एक एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को बहुत अच्छे से सोचेंगे तब हम लोगों को हर बार समझ में आ जाएगा कि कब मोशनल ईएमएफ होना चाहिए और कब मोशनल ईएमएफ नहीं होना चाहिए। तो चलिए जैसे हम लोग जिस भी कमरे में है, आप जिस कमरे में है अपने कमरे में इमेजिन करिए, हम अपने कमरे में, हमने छत से मान लिया कि बहुत सारे धागे नीचे लटका दिए, धागा 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 मतलब रस्सी, पतले पतले रस्सी, इतना आसानी से कट सके वो रस्सी, बहुत सारा ऐसा समझे कि इसे मैग्नेटिक फील्ड तीर है, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो हम तीर दिखाते हैं बार बार, वो तीर छत से नीचे की तरफ आ रहा है, पूरा कमरा भरा हुआ है वो तीर से, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है ना, और वो रस्सी है, समझ लो एक तरह से रस्सी, उसको मानिए वो मैग्नेटिक फील्ड है। एक तलवार दे दी आपको मैंने, तलवार जिससे वो रस्सी कट सकता है, वो हमने कहा आपका कंडक्टर हो गया, तलवार आपके हाथ में पकड़ाया वो कंडक्टर हो गया, जो रस्सी नीचे की तरफ लटक रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब आपको ये तलवार, मैं बोल रहा हूं जिस जिस डायरेक्शन में चलाना मतलब वो आप वेलोसिटी देंगे उसको, वो वेलोसिटी जैसे तलवार चलाएंगे वो वेलोसिटी है। अब अगर रस्सी कटेगी, तलवार चलाने से रस्सी कटेगी तो समझ लो मोशनल ईएमएफ आएगा, अगर नहीं कटेगी तो समझ लो नहीं आएगा। मैं ऐसे आपको 5-7 केस बताता हूं जिसमें रस्सी नहीं कटेगी, आप चाहे कितना तेज तलवार चलाइए। चलिए रस्सी ऐसे नीचे की लटक रहा, मैंने तलवार को बड़ा, मैंने कहा ऐसे मारो, क्या ऐसे मारेंगे रस्सी कटेगा, बोलिए बोले ऐसे मारो रस्सी कटेगा, अच्छा नहीं कटेगा सर, अच्छा मैंने कहा अच्छा ऊपर की तरफ मारो तलवार को, ऐसे तलवार ऐसे ऊपर मारा, क्या रस्सी कटेगा, नहीं तब भी नहीं कटेगा, ऐसे मारेंगे तब भी नहीं कटेगा, ऊपर मारे तब भी नहीं कटेगा, नीचे मारे तब भी नहीं कटेगा, है कि नहीं, किसी भी ऐसे देखिए ऐसे पीछे करिए आगे करिए नहीं कटेगा, मेरा बात समझ में आ रहा है सबको। तो ऐसे केसेस में रस्सी नहीं कट, अगर रस्सी नहीं कटेगा मतलब मोशनल ईएमएफ नहीं है, लेकिन मैंने तलवार से बोला, मैं तलवार का बोला ऐसे मार दो, ऐसे तलवार ऐसे मार दो, जब आप तलवार ऐसे मार देंगे तो क्या होगा, बोलिए मैक्सिमम रस्सी कट जाएगी, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगा। किसी एंगल पे मारने को बोला तब भी कटेगा लेकिन थोड़ा कम कटेगा, तो कम ईएमएफ जनरेट होगा। सो आपको बस ये इमेजिन करना है कि क्या ऐसा सिचुएशन आ रहा है जिसमें रस्सी कट रही है, अगर कट रही होगी देयर इज अ मोशन ईएमएफ, अदरवाइज नहीं। तो आप सुनिए किस किस केस में नहीं कटने वाला है, किस किस केस में नहीं कटने वाला है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। जीरो के लिए सबसे पहला कंडीशन, अगर बी और वी पैरेलल हो जाए, बी और वी पैरेलल होगा तो देखिए ये जीरो हो जाएंगे, अगर बी और वी पैरेलल हो जाए तो ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जीरो, ये जीरो जाएंगे और आंसर जीरो आ जाएगा। दूसरा, अगर L और V पैरेलल हो जाए, L और V, ध्यान रहे बच्चों L और V, जानते हैं V और B के परपेंडिकुलर होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है, और L और V पर पैरेलल हो गए तो क्रॉस प्रोडक्ट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तब भी जीरो आएगा। अब देखिए तीसरा बात, L और B अगर पैरेलल हो गए तब भी जीरो होगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर तीनों पैरेलल हुए तो 100% जीरो है, कोई भी दो पैरेलल हुआ तब भी जीरो है बच्चों, तब भी जीरो है, मेरी बात समझ में आ रहा है सबको यहां पर, तब भी जीरो है। अगर तीनों पैरेलल हो जाए
बी पैरेलल टू वी पैरेलल टू एल, तो 100% जीरो होना ही है। अगर ऐसा हो जाए कि वी क्रॉस बी जो है, वी क्रॉस बी अगर वो एल के परपेंडिकुलर हो जाए तब भी जीरो होना है, वी क्रॉस बी अगर एल के परपेंडिकुलर हो जाए तब भी जीरो होना है। बच्चों अब ये सब पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? वो सब हमने एक्चुअल में सच बता दो वेक्टर के तरीके से यहीं से निकाला मैंने सारा। पैरेलल होने से ये दोनों जीरो हो जाएंगे, कोई भी इसके पैरेलल अगर हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट एल के परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर होने से डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तब जीरो हो जाएंगे। और यहां पर ये लास्ट में ये बात लिखा भी है कि वी क्रॉस बी अगर एल के परपेंडिकुलर होगा तो जीरो ही आएगा मोशन ईएमएफ। इतने सारे केसेस हैं जहां पर मोशन ईएमएफ क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। मतलब कोई भी दो पैरेलल नहीं होना चाहिए, पहले तो ध्यान रहे कोई भी दो पैरेलल नहीं होना चाहिए, पहला तो ये बात ध्यान में होना चाहिए सबको। अगर आप सबको ये लाइन समझ में आया है बच्चों तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा उसमें बताइए कि मोशनल ईएमएफ कितना आएगा बच्चों, ठीक है? सो देखिए आपको यहां बताना है कि मोशनल ईएमएफ कितना आएगा बच्चा लोग। सो यहां पे बताइए बच्चों कि मोशनल ईएमएफ कितना आना है। तो यहां पर मोशनल ईएमएफ कितना आएगा बच्चा लोग, देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें हमने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, और यहां पर रॉड है ए बी रॉड, और ये इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जा रहा है, इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और ये रहा एल, ये भी एल है। आपको बताना कि कितना मोशनल ईएमएफ यहां पर जनरेट होगा, कितना मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा, कितना आएगा मोशनल ईएमएफ इन दिस केस, आपको ये बताना है बच्चों। इसमें मोशनल ईएमएफ कितना आएगा ये बताना है आपको, मोशनल ईएमएफ इन दिस केस। सो देखिए वैसे मैं बता रहा हूं आप सबको ना, ध्यान दीजिएगा ना, बेसिकली अगर हम लोग वी क्रॉस बी कर ले, वी क्रॉस बी तो वी क्रॉस बी आएगा इनटू द प्लेन, वी क्रॉस बी आएगा बच्चा इनटू द प्लेन, तो ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा वी क्रॉस बी वेक्टर है, ये वेक्टर एल के परपेंडिकुलर आ रहा है, वी क्रॉस बी वेक्टर एल के परपेंडिकुलर आ रहा है, जो चौथे कंडीशन में लिखा हुआ है, इसका इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। इसलिए यहां पर मोशनल ईएमएफ अगर निकाला जाए तो वो कितना आएगा बच्चों, जीरो आएगा। यहां पर अगर आप मोशनल ईएमएफ निकालेंगे तो आंसर आएगा जीरो। सो बच्चा लोग मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड, देखिए सो मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन यहां डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन ये है देखिए, ये दो रेल है, मेटालिक रेल है, मेटालिक रेल है। मान लेते हैं रेजिस्टेंस इसका कितना है 10 ओम। यहां एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, एक मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस पर एक रॉड है, एक रॉड है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से। इस रॉड ए बी का भी रेजिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में, रॉड ए बी का रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, कितना दिया है रेजिस्टेंस 5 ओम, 10 से ये मूव कर रहा है क्वेश्चन, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10 टेस्ला वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों, और यहां दो रेल के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है यहां पर 50 सेंटीमीटर, सेपरेशन बिटवीन द रेल्स इज 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन एक बोला है कि फाइंड करिए, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन रॉड ए बी, है ना, ए बी में कितना करंट फ्लो करेगा, इस रॉड ए बी में कितना करंट फ्लो करेगा, क्वेश्चन ये पूछा है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इनटू द प्लेन, आपको बताना है कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड मूव करना स्टार्ट करे तो कितना करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, या ए बी वायर में कितना करंट फ्लो करेगा। इसके ऊपर अभी बहुत सारा और भी डिटेल में डिस्कशन करना बच्चों, जब ये मोशन में होगा तो करंट, फिर करंट आएगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फिर पावर रिक्वायर्ड होगा, बहुत सारा कहानी है, लेकिन वो हम लोग बाद में, है ना। कर्व क्या है, कर्व अरे वो तो स्लाइडर है, स्लाइडर स्लाइड करने के लिए,
अरे रेल है, दो रेल है, उसे ऐसे ऐसे क्लाइम करके ऐसे स्लाइड कर रहा है ना, सिचुएशन सीन बनाने की कोशिश कर रहा था कि हाउ टू स्लाइड है ना दिस वायर या दिस रॉड ऑन दिस रेल। ये जो दिखाया गया, ये दो रेल बना हमने ना, ये रेल जिस रेल पर ये स्लाइड करके जा रहा है। अभी इसमें बहुत कहानी बनता है बेटा, इसमें पता है इसके ऊपर फोर्स भी लगने लगता है, रोकता है, जाने नहीं देता उसको, ऑब्वियसली बातें नहीं जाने देगा, क्योंकि वही लेंज लॉ तो यही कहता है। तो कितना फोर्स लगा के उसे मेंटेन करेंगे ले जाने में, कितना पावर डिलीवर करेंगे, ये सब बात करेंगे डिस्कस, बट अगली क्लास में करेंगे। आज फिलहाल में सिर्फ करंट निकालते हैं हम लोग कि करंट का कितना वैल्यू आएगा, ये कैलकुलेट करना आज। आज के हम क्लास में सिर्फ करंट निकालेंगे बच्चों। सो करंट का कितना वैल्यू आएगा ये फाइंड आउट करना बच्चों। सबसे पहले देखिए हम लोग पहला स्टेप हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बच्चा लोग। देखिए सबसे पहला स्टेप है, बहुत अच्छा बच्चा लोग सॉल्व कर रहा है। देखिए सबसे पहला स्टेप है, पहले आप देखिए क्या V, B और L तीनों परपेंडिकुलर है। आप देखिए, देखिए ये रहा L, ये रहा V और ये रहा B, B अंदर है। इसका मतलब यहां पर दिखाई दे रहा है कि L परपेंडिकुलर टू V, परपेंडिकुलर टू B, ये तीनों परपेंडिकुलर है भाई। अब तीनों परपेंडिकुलर है तो मजेदार है, फिर तो जो EMF जनरेट होगा, EMF वो होगा बी एल वी, EMF यही होगा बच्चों। कितना होगा EMF बच्चा लोग? बी एल वी, EMF होगा बी एल वी। सो बच्चा लोग EMF हो जाएगा बी एल वी। सो दिस बी एल वी अगर EMF, तो EMF कितना आएगा वैसे पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया तीनों परपेंडिकुलर है, तो EMF होगा बी एल वी, और बी एल और वी की वैल्यू डाल दीजिए यहां पर। तो बी की वैल्यू है 10, एल बच्चा लोग यहां पर है 0.5, देखिए 50 सेंटीमीटर को 0.5 मीटर में लिख लेना है, और V की वैल्यू है 10। सो फाइनली यहां से आ गया ये 50 वोल्ट आया बच्चों, 50 वोल्ट इज द EMF, EMF आ गया 50 वोल्ट बच्चों, 50 वोल्ट। और अब ध्यान है पूरे लूप में करंट फ्लो होगा, पूरे लूप में, इसका मतलब इसमें एक 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 पोटेंशियल जनरेट हुआ है V क्रॉस B करे। देखिए अगर आप देखें यहां पर, देखिए बच्चों ये ऐसा था V क्रॉस B, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, मतलब ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव, इसका मतलब एक जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो ये होगा, ये प्लस ये माइनस, इसका मतलब इसमें करंट ऐसे चलेगा। देखिए ऐसे करंट चलेगा, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों V क्रॉस B करेंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एक बैटरी की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट में, और सर्किट में जो करंट I आएगा, करंट I आएगा, आएगा EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 10+5, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 10+5। सो जो करंट फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में इक्वल टू आएगा 50/15, दैट इज इक्वल टू से दैट 10/3 एम्पियर इज द फाइनल आंसर। 10/3 पूरे सर्किट में करंट होगा, जो 10/3 पूरे सर्किट में होगा वही ए बी वायर में भी होगा। तो ए बी वायर में जो करंट फ्लो करेगा बच्चों वो आएगा 10/3 एम्पियर इज द करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट हियर। सो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं बच्चा लोग। ध्यान, पहले तो करंट इसलिए फ्लो की ये पूरा, मैंने इसीलिए रेल बनाया था बेटा, इसीलिए रेल बनाया था कि लूप कंप्लीट हो, ताकि हम करंट का बात कर सके यहाँ पर। अगर अगर रेल नहीं बनाए होते तो खाली EMF आता बट करंट नहीं आता, इसीलिए लूप को कंप्लीट किया ताकि करंट भी फ्लो करे। और खुद का रेजिस्टेंस 5 है और पूरे सर्किट में और 10 और रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस लिखना बहुत जरूरी था, जो मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल रेजिस्टेंस। आई थिंक सो ये बात आप सबको समझ में आ गया है बच्चों। सो आगे की बातें हम लोग अब अगली क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, ठीक है।